الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمين بالخير. तो कल हमने लेसन नंबर 21 का आखिरी हिस्सा पढ़ा था और हमने लेसन नंबर 22 का ये हिवार भी हमने पढ़ी थी. तो आज हम तमरीन पे आ जाएंगे. तमरीन वन को हम हस्बे मामूल छोड़ रहे हैं, ठीक है. तो हम आएंगे तमरीन टू पर. तमरीन टू है मिन अबवाब الفعل الثلاثي المزيد. फ़ाइल सुलासी मजीद के अबाब में से एक बाब ये भी है, बाब इन फ़ाला, जो हमने इसमें पढ़ा 3+2 कैटेगरी में तीसरा फ़ाइल, वो क्या है, इन प्लस फ़ाला, यानी फ़ाला से पहले इन हमने बढ़ा दिया तो ये बन गया इन फ़ाला. क्या बन गया? इन फ़ाला. शाबाश. ज़ीदत फ़ीहि الهمزه والنون قبل الفاء. इसमें फा से पहले अलिफ नून हमजा नून बढ़ा दिया गया है. नाउ इन फतह इनकसर इनقطع. मिसाल के तौर पर इन फता वगैरह ये तो आपने पढ़ा. अब इस लेसन में कितने अफाल जो है इस बाब के हैं, उनको जरा आप खुद ही देखकर जो है अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, मेंशन करेंगे, तो ताकि आप ये पता चले कि क्या आप इस बाब को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. तअम्मल अल मिसाल, मिसाल पे जरा गौर कीजिए. मिसाल है इनकसर मादी और मुजारा यनकसिरो यनकसिरो यनक. पिछले दो हमने जो पढ़े थे तफअला या तफअलु तफअला या तफअलु, मैंने उस वक्त बताया था कि मुदायरा के नीचे कोई जेरवेर नहीं आती है, लेकिन यहाँ आती है इनकसरा यनकसिरो, लास्ट से पहले जो है जेर वाला है इनकसरा यनकसिरो. और फ़ाइल बनेगा मुनकसिरुन मुनकसिरुन मुनकसिरुन, यानी या जबर या जो है इसको मीम पेश मु से बदल दिया बस मुनकसिरुन. और चूंकि अब इसम बन गया तो तनवीन आएगी, यहाँ तो फेल था तो तनवीन नहीं आएगी क्योंकि तनवीन फेल के साथ नहीं आती है, तो मुनकसिरुन. और अल मजदर क्या है, इनकिसार इनकिसार. यहाँ देखिए इनकिसार अलिफ नून कीफ सीन, यानी चार हरफ जो है पहले कंटिन्यू लिखे गए, फिर चौथे हरफ और पांचवे हरफ के बीच में अलिफ खड़ा कर दिया गया, अलिफ लगा दिया गया, तो बन गया इनकिसार, है ना. इन के सार, सिर्फ के काफ के नीचे जबर है तो इसके नीचे जेर लगा दी गई, इन के फिर सीन और रे था इनकसर, और आखिरी हरफ और आखिरी से पहले वाले हरफ के बीच में एक अलिफ बढ़ा दिया गया है, तो बन गया इनकिसार इनकसर यनकसिरो इनकिसारुन. और इसमें फाइल बन गया मुनकसिरुन मुनकसिरुन, जी सर. क्या ना, इसको बोलते हैं सरफ सगीर. जरा एक एक बाब के तकरीबन दो दो चार चार फेलों की सरफ सगीर याद कीजिए. सरफ सगीर मीन जी फेले माजी का पहला सेगा, मुजाहरा का पहला सेगा, मजदर और इसमें फाइल. अगर फेल जो है मुतअदी हो तो इसमें मफूल भी आप देखेंगे, और अगर इसमें जरफ वगैरह वो भी आप इसको इसमें याद, तो इसको बोलते हैं इसमें ये सॉरी इसको बोलते हैं सरफ सगीर. और इसमें मजहूल के सेगे भी आएंगे, अगर मुतअदी फेल हो तो उसमें मजहूल के सेगे भी आप पढ़ेंगे, है ना. जी सर, जी सर. जैसे कसरा मीन तोड़ना, कुसिरा तोड़ा गया, तो आप कसरा यन कसरा या कुसिरो और फिर कुसिरा यू कुसरो फिर मजदर वगैरह पढ़ेंगे, तो आप उस ताकि आपको जो है जबान जद हो जाए ये चीज, टिप ऑफ द एट द टिप ऑफ द टंग आ जाए. बहरहाल तो हम कह रहे थे तअम्मल अल मिसाल, मिसाल को जरा देखो क्या है. सुम्मा फिर हाथी अल मुदारा, फिर मुजायरा लाओ, वस्म अल फाइल और इसमें फाइल लाओ, वल मजदर और मजदर लाओ, मिन अल अफाल इन फेलों से, ठीक है. अब देखिए पहला फेल है इन फतह इन फतह फतह इन फतह मीनस खुल गया, फतह मीनस खोला उसने खोला, इन फतह मीनस वो खुल गया,
इसके 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 इसकी तरफ में थोड़ा बाद में आ जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी इसी पे है, लेकिन इसलिए यहां मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो इन फता मीन्स खुल गया, ठीक है। अगर हम मजदूरी माना कहेंगे तो मीन्स खुल जाना, मजदूरी माना क्या कहेंगे, खुल जाना, जाना। इन फता तो मुजारा क्या आएगा, यन फतिहु। बहुत अच्छा। तो यहां देखिए इन फतह आखिरी हर्फ से पहले जो हर्फ है उसके नीचे जेर आएगी, इन फतह यन फतिहु। उसी जी सर, जी सर। इस हा के ऊपर पेश क्यों आ गया यहां मुदारा में, सर? फेल मुदारे में जब कोई हर्फ ना से भी हर्फ जो जज़्म देने वाले हुरूफ में से कोई नहीं आता हो तो मरफू होगा, यानी तो आप ये कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि फ़ाइल मुदारा मरफू होता है। मरफू वाला मबनी? हाँ, नहीं मबनी नहीं है ये, मबनी नहीं। अलबत्ता हम कहेंगे फ़ाइल मुदारा मरफू होगा एज लॉन्ग एज इससे पहले जज़्म देने वाला या नस्ब देने वाला कोई हर्फ, जैसे हम इस्म लिखेंगे, इसम को क्या लिखते हैं, अगर बोर्ड पर किसी चीज का नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पेश से लिखेंगे या ज़ेर से या ज़बर से? मरफू लिखेंगे, किताबुन कलमुन वलदुन, क्योंकि इसम के ऊपर भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मरफू रफा है, पेश वाला आप लिखेंगे जब तक न उससे पहले ज़बर ज़ेर कोई आ जाए। चलिए भाई, तो इन फतह यन फतिहु और इसमें फाइल क्या बनेगा, मुन फतिहुन। बहुत अच्छा। और मजदर क्या बनेगा, इन्फिताहुन। बहुत अच्छा, इन्फिताहुन। शाबाश। फिर है इन्कलबा मीनस पलट जाना। पलट गई कोई चीज, पलट गया यानी टू टर्न अपसाइड डाउन। अच्छा, कलबा क्या बनेगा, कलबा कॉफ लांबे, कलबा मीनस उलट देना। इनकलबा मीनस उलट जाना। चलिए, तो मुदारा क्या आएगा, यन कालिबु। इसमें फाइल मुनकालिबुन। और मजदर क्या आएगा, इनकिलाब। एक इसमें वार वाली वर्ड है। चलिए, इनकता मीनस कट जाना। कता मीन्स काटना, उसने काटा। इन कता मीन्स वो कट गया, यानी कट जाना, मजदूरी माना। तो मुजारा क्या आएगा, यन कातियो। और इसमें फाइल क्या आएगा, मुन कातियोन। इस मजदर क्या आएगा, इनकिता। शाबाश, इनकिता मीन्स चले जाना। इन सरफ के माना भी चले जाना, इन सरफ मीन्स चले जाना। हाँ, जैसे आप किसी जगह पे थे तो आप कहते हैं कि सुमन सरफ तो, हाँ फिर मैं जो है वहां से चला गया, मैं चल दिया फिर, इन सरफा। तो मुजारा क्या आएगा, यन सरीफ। और मजदर क्या आएगा, सॉरी, इसमें फाइल मुन सरीफ। और मजदर क्या आएगा, इन सिराफ। बहुत अच्छा। फिर है एक फाइल, लेकिन इसका आखिरी हरब, आखिरी दो हरब जो है वो मिले हुए हैं, यानी इदगाम हुआ है, तो आप जरा इसका ख्याल रखेंगे। इन शक्का मीन्स ब्रेकअप हो जाना, टूट जाना, निकल जाना, इन्हें अलग हो जाना। क्या है, एक तरबत सात वन शक्कल कमर, और चांद ब्रेक हो गया, ये दो हिस्से हो गए। शाबाश। सो इन शक्का यन शक्को। शाबाश। मुन शक्कुन। हाँ, यहाँ शीन के ऊपर जबर आ गई, जेर नहीं आ गई, क्यों? क्योंकि जिस पर जेर आती वो पहले से मुदगा। बिल्कुल, वो तो यानी ये तो आखिरी से पहले वाला हर्फ नहीं है, वो तो काफी है,
जी सर। क्या बात, ये तो आखिरी से पहले और उससे पहले वाला हर्फ है। चलिए, और यहाँ क्या आएगा मजदर में? इंशिक्का कुन। हाँ, यानी दो काफों के दरम एक अलिफ आ जाएगा तो इदगाम ब्रेक हो जाएगा, तो हम कहेंगे इंशिकाक। क्या कहेंगे? इंशिकाक। ठीक है, तो वो अब आपको समझ आया होगा कि वो इस फेल का क्या है, मजदर है। शबाश। फिर है इंजला, इंजला। यहाँ के नीचे दो हर्फ लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, ये इंजला है, इंजला। और मजदर क्या है, ये मुदारा क्या आएगा? यंजली। किसी के इसे आई है वो रेडियो की आवाज लग रही है, थोड़ा सा इसको फिक्स कीजिए। इंजला यंजली। और मजदर क्या आएगा? ये सॉरी, इसमें फाइल क्या आएगा? मुंजलिन। शाबाश, मुंजलिन। चूंकि ये फैले नाकिस है तो फैले नाकिस के आखिरी हर्ब जो है वो तो ड्रॉप हो जाएगा जब इल्फ़लाम के बगैर आएगा, जैसे आपने लिखा काजिन, जैसे आपने लिखा इसी तरह से माजिन, लेकिन जब इल्फ़लाम लिखेंगे तो अल मुंजली। इंजलाउन, इसका मजदर आएगा इंजलाउन, असलहू इंजलाउन। ये आखिरी अलिफ या वाव या जो है ये फिर हमजा में चेंज हो जाए, ये अलिफ है ये वाव हमजा में चेंज हो, तो आ जाएगा इंजलाउन, इंजलाउन। शाबाश। इंजला हम कहेंगे सेटलिंग, इंजलाउल जैसे हम कहेंगे इंजलाउल गबार। हाँ, इंजला मीन्स छट जाना। सर क्या मतलब है छट जाना? जैसे बादल छटते हैं, जैसे कोई मुसीबत के आसार छट जाते हैं, है? जी सर। जैसे धूल छट जाती है वगैरह, तो उसको बोलेंगे इंजला, इंजली, वाज़े होना, इंजला। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। साउंड आ रही है। पता नहीं ये किसके इससे आ रहा है, जरा तो थोड़ा बहुत फिक्सिंग करो, या ये फिर हमारे इससे आ रहा है, वैसे तो नहीं आएगा ना, मगर शेख समथिंग लाइक सी सिग्नल आ रही है, कैच करा शायद, 30 कैच गसना, हां कुछ है गड़बड़। बहरहाल, तो क्वेश्चन नंबर 4, युफीदु बाप, 2G में ये चीजें होती है, हमारी 2G में हम चल रहे हैं, ये तो मानिए आप, हम तो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्या करें। युफीदु बाब इनफाल, ये बाब इनफाल जो है ये किसका फायदा देता है? अल मुतावा, ये मुतावा का फायदा देता है। मुतावा क्या कहेंगे? मुतावा मीन्स ये एक मतलब एक असल में मुतावा कहते हैं मुआफिक होना, फर्मा बरदार होना, असर कबूल करना वगैरह वगैरह, मुतावा तो जी सर। लेकिन उलमाई नहव के दरमियान, नहवियों के नजदीक जो है मुतावातुन वो फेल है, मुतावा वो फेल होता है जो किसी फेली मुतादी के साथ लाजिम हो और उसके नतीजे में आता हो। मतलब ये कि सिंपल सेंस में कि जब इस फेल का हम फेली सुलासी देखेंगे, सुलासी मुजरद, तो वो मुतादी होगा और ये उसका फेले लाजिम होगा। जैसे यहाँ देखिए ना, तकूल आप कहते हैं फतहतु अलबाबा, फतहतु मैंने दरवाजा खोला, फन फतह तो वो खुल गया, तो वो खुल गया। ये देखो फतह फेल तो फाइल, अलबाबा मफूलुन बिही, लेकिन यहाँ इन फतह, यानी अगर हम लिखेंगे यहाँ इन फतह तो नहीं आएगा, बल्कि आएगा इन फतह अलबाबो, दरवाजा खुल गया, दरवाजा जी खुल गया, ये ट्रांजिटिव माने में आता है। और एक पॉइंट याद रखिए कि यहाँ जो है पहले सुलासी में जो फाइल था और फिर मफूल भी था, लेकिन यहाँ जब ये फेल आप लिखेंगे इन फतह, यानी इन फाला का फेल,
इस सेंस में, तो आप क्या इसमें, इसमें जो ऑब्जेक्ट था इसमें फतह में, वो ऑब्जेक्ट यानी मफूल भी जो था वो यहाँ क्या बनेगा, फाइल बनेगा। ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी फतहतु अलबाबा या फतह हामिदुन अलबाबा या फतहत ज़ैनबु अलबाबा। लेकिन जब यहाँ कहेंगे इनफतह अलबाब, दरवाजा खुल गया, तो यहाँ नहीं पता किस हमको कि किसने खोला क्या क्या, हम कह रहे हैं दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। तो ये इस इसके इसमें आ रहा है फतहतु पहले सुलासी मुजरद, और इसके इसमें आ रहा है ये बतौरी ट्रांजिटिव इनफतह खुद खुल गया। تعمل المثال مثال پہ ذرا غور کرو ثم اكمل الناقص پھر جو بچا ہے اس کو کمپلیٹ کرو فتحت الباب آپ نے دروازہ کھولا فتحت یہاں فاعل ہے تا اور الباب جو ہے مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے لیکن یہاں دیکھیے ان فتح الباب الباب جو وہاں پہلے سینٹینس میں مفعول بھی تھا یہاں پہ ہے یہ کیا فاعل इन फतह बाबो दरवाजा खुल गया द डोर ओपनड जी सर शाबाश। अब दूसरे मिसाल देखिए कसरतु अलकूब कसरतु अलकूब अलकूब मैंने कूब को क्या मैंने कूब को तोड़ा मैंने कप को तोड़ डाला कसरतु कसर फैल मुतादी है मैंने कप को तोड़ डाला तो हम लिखे अगर आप अगर मुझे ये कहना है भाई कप टूट गया तो मैं लिखूंगा इन कसरा अलकूबो इन कसरा अलकूबो प्याला कप टूट गया कप टूट गया कप टूट गया। अब दूसरा देखिए आप कता अतो अलहबला माने क्या होगा मैंने रस्सी काट दी मैंने रस्सी काट दी कहता तो अलहबला मैंने रस्सी काट दी और इसमें क्या आएगा इनकाता अलहबलो यानी रस्सी कट गई इनकाता अलहबलो रस्सी कट गई। हाँ यही है वहां आयत में वो लन फिसाम अलहा यानी ला इनफिसाम अलहा इनफसम मीन्स कट जाना ब्रेक हो जाना इनफसम इनफिसाम लन फिसाम यानी ला इनफिसाम अलहा ठीक है ना जी सर। किस आयत में है ये आयत याद है हबलुल्लाह ना ये है वो आयत सूरह बकरा की है ना शायद ये क्या बोलते हैं इसको ला इकराह फिद्दीन कत तबयन रुश्दु मिन अल गाय फकत क्या कत तबयन रुश्दु मिन अल गाय फमन यकफुर बिताबूत व युमिन बिल्लाह व युमिन बिल्लाह फकत इस्तमसक उल उरवत उसका लन फिसाम अलहा यानी ला इन फिसाम अलहा अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे लन फिसाम लग रहा है ना ये लाम नून लन है ये असल में है ला इनफिसाम लहा यानी अगर अरबी में आपको माने कहना हो तो आप कहेंगे ला इनकिता लहा इसमें कोई इनकिता नहीं है। चलिए भाई नंबर थ्री कलब तो अल किताब मैंने किताब उलट दी कलब तो अल किताब मैंने किताब उलट दी अब क्या कहेंगे आप इन कलब الكتاب يعني كتاب الٹ گئی الٹ گئی چلیے نمبر 4 بہت اچھا نمبر 4 هزم المسلمون الكفار هزم مینز ہرا دینا ڈیفیٹ دینا مسلمانوں نے کفار کو ڈیفیٹ دے دی مسلمان نے کفار کو ڈیفیٹ دے دی ٹھیک ہے اب یہاں آئیں گے تو کیا کہیں گے ہم ان باب انفعال میں इन हजमल कुफारु इन हजमल कुफारु कुफार को डिफीट मिल गई यानी कुफार हार गए कुफार हार गए इन हजमल कुफारु कुफार हार गए। ये समझ आया आप आपको जी सर हाँ क्वेश्चन 5 इसके साथ ही है जरा इसको
बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि पिछले लेसन में इसने इस चीज को जिक्र नहीं किया था अच्छी तरह। मुताबियो फाला इन फाला, भाई फाला का जो है मुतावे है यानी फॉलो, जो उसके उसके साथ साथ जो चिमटा हुआ वो फेल है वो है इन फाला। यानी अगर आपने कोई फेल देखा जिस जो सुलासी मुजरद में है मुतअदी है, जब आप उसको बाबी इन फ़ाल में लाएंगे तो वो क्या होगा, वो लाजिम होगा। लाजिम जैसे ऊपर मिसालों से आपने कमा रही था जैसे आपने देखा। अम्मा फ़ाला, अब तो 3+1 कैटेगरी में एक फेल है फ़ाला बाबी तफ़ईल, तो उसका मुतावे क्या है तफ़ाला। ये हमने ऊपर पीछे नहीं पढ़ा था, मत पढ़ा था नो सर, ये मत नहीं पढ़ा था। फमुतावी उहू तफ, यानी अगर कोई बाब है कोई फेल है जो बाबी तफ़ईल में क्या माने रखता है, जो बाबी तफ़ईल में मुतअदी है, तो जब आप उसको बाबी तफ़ाउल में लाएंगे तो वो ये बनेगा लाजिम बनेगा, लाजिम बनेगा। समझ रहे ना, इसमें इसमें कभी कभी जो है क्या नाम है ये होता है कि जो फेल है मतलब ये बनाते हैं हम फ़ाला से तफ़ाला, दोनों के एक ही माने आते हैं। जैसे एक मिसाल नोट कीजिए, काबिला यकबालो मीनस टू एक्सेप्ट, कबूल करना, काबिला यकबालो मीनस कबूल करना। लेकिन तकब्बल या तकब्बल जो है उसका मतलब होता है उसका मतलब ही होता है कबूल करना, लेकिन वो अलग डिस्कशन है, उसको हम इंशाल्लाह ताला अलग से जरा पढ़ेंगे कभी। फिलहाल हम अपने आप को मतलब कन्फाइन रखेंगे इसी किताब, मतलब किताब का जो ये है इसी में हम अपने आप को कन्फाइन रखेंगे। तो दोनों देखिए, फ़ाला को इस जब आप तफ़ाला बनाएंगे तो वो लाजिम बनेगा। जैसे मिसाल है कसर तो अज़्ज़ुज़ाज़ा, कसर तो है आई ब्रोक द द द अज़्ज़ुज़ाज़, ज़ुज़ाज़ मीन्स the glass into pieces, kasara means todna simply, lekin kasara means to break into pieces, to break into pieces. Lekin jab aap isko layenge yahan takassara azujajo, azujaja yahan mansub tha kyunki ye maful bhi hai, ab yahan marfu ho gaya kyunki yahan ye fail hai. Takassara, takassara zujajo means shisha jo hai टुकड़े हो गए, चूर चूर हो गए। कसर ज़ुजाज, हाँ मुतनबी का एक शेर है, रमानियत दहरु बिल अर्ज़ाई हत्ता तकसरत निसाल अलन निसाल, यानी मुझे जमाने ने इतने तीर फेंक दिए कि अब तीर के ऊपर तीर लग गया, तीर लग गया, तीर लग गया, तो वो तीर ही अब टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। गालिब कहता है क्या मुसीबतें पड़ गई इतनी कि आसान हो गई। गालिब का अपना अंदाज था, शायरी पढ़ो यार, शायरी से इंसान के जो है मतलब इसमें उफक में थोड़ा ज़ौक शौक बढ़ता है। हाँ सरत, ये सॉरी, गालिब कहता है कि मुसीबतें पड़ इतनी, कहते हैं मुसीबतें पड़ गई इतनी कि आसान हो गई। कश्मीरी हम कश्मीरी में हम कहते हैं जो है ना दो आसान बिचोर, इसे इसे कहा था, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ कश्मीर में एक शायर थे गनी कश्मीरी, शायद आपने नाम सुना होगा, गनी कश्मीरी एक फारसी शायर थे कश्मीर के। कहते हैं उसके बारे में एक बात मशहूर है, पता नहीं कितनी ये है मतलब इसके मतलब कंफर्म है। हाँ, वो कहते हैं कि जब वो सूफी मिजाज का आदमी था, कहते हैं जब वो घर में होता था तो सारे दारे ये दरवाजे और खिड़कियां सब बंद करता था, लेकिन जब निकलता था घर से तो खुला छोड़ देता था। लोगों ने कहा ये क्या उल्टा कर रहे हो, उसने कहा इस घर में जो चुराने की चीज है वो मैं ही हूँ, इसलिए मैं जब मैं होता हूँ अंदर तो मैं दरवाजे जो है खिड़कियां विड़कियां सब बंद करता हूँ, लेकिन जब मैं निकलता हूँ तो फिर क्या चुरा लेगा वहां कोई। तो बहरहाल कसरतु अज़्ज़ुजाज तकसर अज़्ज़ुजाज, कत्तअतु अल-हब्ला कत्तअतु अल-हब्ला, मैंने मैंने रस्सी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो अगर हम इसको बाबी तफ़ाउल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुकत्ता ना, तुकत्ता क्यों, तुकत्ता नहीं तकत्ता, तकत्ता, तकत्ता,
तकत्ता अल हबल रस्सी टुकड़े टुकड़े हो गई, तकत्ता अल हबल। चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया जी सर। चलिए क्वेश्चन सिक्स है जो आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि हमजा जब बाब इनकसर यानी बाब इनफ़ाल पर आता है तो इसका अपना हमजा जो है वो गिर जाता है, तो इनकसर बनता है अ इनकसर बनेगा अनकसर, क्या बनेगा अनकसर। हाँ ये तो हमने जब हम लेसन पढ़ रहे थे वहां भी हमने पढ़ा, अ इनकसर बनेगा अनकसर यानी न कि अ इनकसर। इज़ा दखलत हमज़तुल इस्तिफ़ाम अला इन्फ़ाला हुज़िफ़त हमज़तुल वसल, तो ये हमज़तुल वसल जो है फिर ड्रॉप हो जाती है। सिंपली हम एक ही हमज़ा पढ़ते हैं जो हमज़तुल इस्तिफ़ाम होता है, हम पढ़ते हैं इनकसरा, इनकसरा नहीं अनकसरा, अनकसरा, हाँ अनकसरा। अब जरा इन पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए। इनकलबत सय्यारत, बहुत अच्छा अनकलबत सय्यारत, क्या गाड़ी उलट गई। दूसरा इनफतह बाबुल मतम, अनफतह बाबुल मतम, अनफतह इल्फ़लाम नहीं है, अनफतह बाबुल मतम, क्या रेस्टोरेंट का दरवाजा खुल गया, शाबाश। इनहज़म अल मुशरिकून, बहुत अच्छा अनहज़म अल मुशरिकून, क्या मुशरिकून जो है मतलब हार गए। नंबर फोर असलम अबूक, असलम अबूक, शाबाश। तो इसलिए ये एक डाल दिया इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बाब इनफ़ाल से नहीं है तो आप इसका हमजा ड्रॉप नहीं करेंगे, आप कहेंगे असलम अबूक, क्या आपके बाप जो है हाँ क्या आपने इस्लाम उसने इस्लाम कबूल किया, असलम अबूक, असलम अबूक, अबूक। चलिए अब आइए क्वेश्चन सेवन पर, तअम्मल अल अमसला अला लिबाब इनफ़ाल। अब ये कुछ सेंटेंसेस है जरा इनको पढ़िए, इसमें बाब इनफ़ाल जो है इस्तेमाल हो गया होगा। व अय्यन फीहा अल माज़ी वल मुज़ारिअ व इस्मु अल फ़ाइल मज़र, और इस चारों चीजों में से जो भी है उसको जरा ढूंढ निकालिए। नंबर वन वक़अ अल कूब, अच्छा आप पढ़िए मैं सुनता हूँ। एक एक करके वन वक़अ अल कूब अल अर्ज़ वन कसरा, माने पहला गिर गया जमीन पर और टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया ना, और टूट गया सिंपली वन कसरा, टूट गया और टूट गया, ये तो कसरा से लाया है जी। इन कसरा इसमें फेल माज़ी है सर, इन कसरा इसमें फेल माज़ी, शाबाश फेल माज़ी है। चलिए आगे बढ़िए डॉक्टर साहब। हाज़ल बाब ला यनफतह, ला यन फतह नहीं, ये तो मुज़ारा है ना, ताकि नीचे ज़ेर आएगी, ला यन फतह, हाँ ला यन फतह, ये दरवाजा नहीं खुलता है। हाँ अदखिल मिन अल बाबिल आखिर, अदखिल आएगा या उदखुल, उदखुल मिन अल बाबिल आखिर, तो दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो जा। बहुत अच्छा। नंबर थ्री तंतफी अनवारु शवारी फी साअतिल खामिसति सबाहन, बहुत अच्छा। इंतफा यंतफी बुझ जाना अनवारु शवारी क्या होता है, सड़कों की लाइटें यानी सड़कों की लाइटें यानी स्ट्रीट लैंप्स जो है वो बुझ जाते हैं, कब बुझ जाते हैं, फिसातिल खामिसति सबहन, सुबह पांच बजे। बहुत अच्छा आगे बढ़िए, इसमें कहाँ है वो, इसमें तन तफी तंतफियो फेल मुजारे सर, फेल मुजारे। बहुत अच्छा। सबब इनकलाब सय्यारत
انفجار احدى عجلاتها بہت اچھا تو گاڑی کے الٹ جانے کی وجہ انفجار احدى عجلاتها انفجار میں پھٹ جانا عجلت میں ٹائر پھٹ جانا اس کے ایک ٹائر کا ٹائر کی پھٹ جانے کی وجہ سے برسٹ ہونے کی وجہ سے تو یہاں جو انقلاب اور انفجار یہ دونوں جو ہے چونکہ تو ان کا الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے لہذا بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا ہم پڑھیں گے اس طرح سبب انقلاب سیارۃ انفجار احدى عجلات ہاں تو انقلاب اور انفجار اس میں دو ہے یہ کیا ہے ماضی کی مضارع مصدر ہے یہ مصدر ہے نا ماضی مضارع بہت اچھا آگے بڑھیے انہزم المشرکون فی غزوۃ البدر فی غزوۃ بدر مشرکوں کو شکست ملی غزوۃ بدر میں یعنی بدر کے جنگ میں انہزم پھر تخرج في المعهد العام المنصرم بضعة وثلاثون طالبا تخرج في المعهد العام اس سال المنصرم مینز ماضی ماضی شباش لاسٹ ایئر ماہد سے بدعتن استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا یہی کوئی 30 بچے یعنی سم 30 اسٹوڈنٹس ہیں ماہد سے نکلے لاسٹ ایئر ہم اس طرح کریں گے last year some 30 students graduated from the institute ma'had means institute munsarim ismul mafool ismul fa'il kyunki ye utl fa'il lazim hai to isme mafool nahi ho sakta hai nahi aayega na shabash lekin isme mafool istemal ho jayega وہ کس سینس میں ہوگا وہ ظرف زمان اور ظرف مکان کس سینس میں ہوگا جیسے آگے آپ انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے چلیے تو نمبر 7 سافر فریق منہدم المنہدم سافر الفریق منہدم جی سر چلیے مینس فریق مینس ٹیم گروپ جماعت ہاری ہوئی ٹیم جو ہے سافرا وہ چلی گئی اس نے کوچ کیا سافرا نکل گئی فریق مینس ٹیم کو بھی کہتے ہیں جماعت کو بھی کہیں گے سائڈ کو بھی کہتے ہیں نا فریق اول فریق ثانی وغیرہ اس طرح کہتے ہیں کسی جھگڑے میں فریق اول ہوتا ہے فریق ثانی ہوتا ہے تو اس طرح چلیے بھائی تو یہ کلیئر ہو گیا جی سر چلیے اب کوشچن 8 میں دیکھیے جلدی جلدی میں پڑھاؤں گا ہمارے پاس 5 منٹ ہے ابھی اس میں ایک پوائنٹ آپ بہت ہی امپورٹنٹ سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے دیکھیے انکشفت الشمس سورج گرہن ہو گیا یوم اس دن مات ابراہیم جب ابراہیم مر گئے ہنا الجملۃ یہ جملہ جو ہے مات ابراہیم یہ جملہ جو ہے یہ کیا ہے یہاں مضاف الیہ یہ تو مضاف الیہ ہے یعنی آج تک آپ پڑھ رہے تھے کہ مضاف الیہ جو ہے ایک اسم ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں کتابہ قلم حامد ابن زینب ابو فاطمہ تھا تو آپ پڑھ رہے تھے آج آپ پہلی بار سن رہے ہیں شاید کہ مضاف الیہ جو ہے وہ ایک جملہ بھی ہو سکتا وہی فی محل جر تو جب یہ مضاف الیہ ہے تو محل جر ہوگا نا یعنی جر کی جگہ ہوگا لیکن چونکہ پہلے ماضی کی اپنی کچھ یعنی لمیٹیشنز ہے اس کے نیچے زیر ظاہر نہیں ہوگی تو مات ابراہیم اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ ایک ورڈ جو ہے یہ مضاف الیہ نہیں ہے
ये पूरा सेंटेंस मुजाफ निलय है, लिहाजा हम पूरे सेंटेंस को कहेंगे कि क्या ये क्या है, ये मुजाफ निलय है, न कि एक वर्ड। अब इस पूरे सेंटेंस की एनालिसिस की जाएगी, ये मुजा ये फेल फेलन है, फेल माजी, और ये इसका फाइल है वगैरह वगैरह। व यौम मुदाफ, यौम मुदाफ, और ये माता इब्राहिम ये जुमला जो है मुजाफ निलय है, मुजाफन इलैह इलैह। हां अमثله اخرى, कुछ और मिसालें देखो। सफर तो मैंने सफर किया, कब? यौम ज़हरत النتائج, उसी दिन जिस दिन क्या रिजल्ट आए थे, रिजल्ट जाहिर हो गए थे। यौम ज़हरत النتائج, यौम मुदाफ मुसाफ इलैह, यानी इसका यहां तकदीर आप देखेंगे। यहां देखिए, मैं इस यहां नीचे आ जाऊंगा जहां कर्सर है मेरा। यौम माता इब्राहिम तकदीरुहु, इसका तकदीर क्या है? यौम मौती इब्राहिम, यानी ये मौती मीन्स मजदर है, यहां मजदर की बजाय क्या आया है? फेल माजी, तो इसलिए इसको भी क्या किया जाए? यौम मौती इब्राहिम है, या यहां आएंगे हम साफर तो यौम जुहूर नताइज, यौम जुहूर नताइज, जब नताइज के जहूर होने के दिन, नताइज के जहूर होने के दिन मैंने सफर किया। शाबाश। नंबर टू, मरीज तो मैं मरीज हो गया, यौम जार अल वजीर अल जामियाता, जब वजीर ने, जब मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया था उसी दिन में, यानी यौम जियारत अल वजीर अल जामियाता, जब जियारत वजीर जाम मिनिस्टर के यूनिवर्सिटी का के जियारत के दिन, जियारत के दिन मैं बीमार था। नंबर थ्री, वुलित तो मैं मर गया, यौमा उस दिन माता जद्दी, जब मेरे ग्रैंडफादर का इंतकाल हो गया था, यानी यौमा मौती जद्दी, यौमा मौती जद्दी, ठीक है, यौमा मौती जद्दी। वफी तंजील, इसी तरह कुरान पाक में आया है, हाजा यौमो, ये यौमो यौमोन नहीं कहा, क्योंकि अगर मुजाफ नहीं होता तो ये यौमोन कहता, क्योंकि ये मुजाफ है तो तनवी नहीं आ गई। हाजा यौमो, फिर है यनफउ सादिकीन सिदकुहुम, ये वो दिन है जब सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई फायदा देगी, यानी हम कहेंगे हाजा यौमो जब सच्चे लोगों के सच के नफा का दिन है, नफा का दिन है, दिन। तो ये आप देखिए कि आज तक आप देख रहे थे कि भाई मुदाफ़न इलाय जो है सिर्फ एक इस्म हो सकता है, लेकिन आज आपने देखा नहीं, मुदाफ़न इलाय एक जुमला भी हो सकता है। और यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ फेले माजी भी है और फेले मुदारा भी है, माता फेले माजी लेकिन यनफउ फेले मुदारा, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे खत्म करेंगे, कल हम इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे, कल 8:20 से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुदा हाफिज़।